में तब्दील हुआ छीरखेड़ा गांव। पुलिस की मौजूदगी में हुआ अंतिम संस्कार। नाली को लेकर हुआ था विवाद। हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे परिवार वाले। करीब 2 घंटे चला विरोध प्रदर्शन। 3 आरोपी गिरफ्तार, बाकी फरार। करारिया थाने के ग्राम छीरखेड़ा का मामला मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के करारिया थाना अंतर्गत ग्राम छीरखेड़ा में विगत 23 जनवरी को नाली के एक मामूली विवाद के बाद 2 परिवार में खूनी संघर्ष हुआ। इसमें एक ही परिवार के 4 लोग घायल थे। एक गंभीर रूप से घायल को भोपाल रेफर किया गया। इलाज के दौरान भोपाल में मौत हुई। भोपाल से मृतक के शव को गांव लाया गया। आक्रोशित परिजनों ने घर के सामने सड़क पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। मामले को बढ़ता देख करारिया TI अरुणा सिंह अपने पुलिस बल के साथ पहुंची। बाद में CSP सहित भारी पुलिस बल गांव पहुंचा। देखते ही देखते पूरा गांव छापनी में तब्दील हुआ। परिवार वाले इस मामले में फरार एक आरोपी की गिरफ्तारी करने और क्यों आरोपी के नाम छूट गए उन आरोपियों के नाम लिखे जाने की मांग कर रहे थे। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के आश्वासन के बाद पुलिस की मौजूदगी में ही अंतिम संस्कार किया गया। सर जहाँ लड़ाई हुई थी जे भाई थी 23 तारीख के लगभग, लड़के हैं महिले वाले, सर उनने सर में मार दिया था। सोवराम है, महेश है, दीपक है, आकाश है, अतुल है और उनकी दोनों लेडीज हैं। सर जरासी नाली के पीछे, फिर सब लोग आए तो इनको मार दिया। हम लोग तो काम करते हैं बाहर, फिर हम लोग आए तो डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके गए पुलिस के साथ। सर जी हमारे पापा वो SPR हो गए जिनको ज़्यादा गंभीर थे। कार्रवाई शुरू में स्टार्टिंग में नहीं की गई। TI मैडम ने भी कुछ ऑक्सीजन नहीं लिया और 3 जने के नाम भी नहीं लिखे। अतुल है और सोवराम की मिसेस है और उससे क्या बोलते हैं महेश की मिसेस और आकाश फरार रहेगा। सर 9 दिन बाद 23 तारीख को यहाँ पे झगड़ा हो गया था जिस पर से 4 आरोपियों के विरुद्ध में 307 की कायमी की गई थी जिसमें से 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए थे। और आज जो 307 जिस पर लगी थी शोभाराम जो कि घायल होकर भोपाल में एडमिट थे, आज उनका दुखद मृत्यु हो गई जिसके कारण आज उनका यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जा रहा है। साथ ही साथ परिवार वालों की ये मांग थी कि इस घटना में जितने लोग भी शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो प्रशासन की ओर से उनको आश्वासन दिया गया है कि इस घटना में जो भी व्यक्ति लिप्त हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वो अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे थे कि जितने भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हो। तो हाँ, चूंकि व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसमें 302 धारा इजाफा की जाएगी। खबर भारतवर्ष के लिए विदिशा से भैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।